परी और फूल। एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में नदी के किनारे एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन हर वक्त एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थीं। बड़ी बहन का नाम नूर और छोटी का नाम परी था। एक दिन नूर पौधों को पानी दे रही थी कि नूर ने एक खूबसूरत फूल देखा। उसने वो फूल उठा लिया। परी भी वहीं मौजूद थी। उसने कहा, ये फूल मुझे दे दो। नूर ने कहा, नहीं, पहले ये फूल मैंने देखा था। दोनों बहनों ने बहस वाओ तकरार के बाद हाथापाई होने लगी। इतनी देर में वहां एक बोना आ गया। उसने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? परी ने कहा, ये फूल मेरा है, लेकिन नूर ने उसे उठा लिया है और अब मुझे नहीं दे रही। ये सुनकर नूर बोली, ये फूल पहले मैंने देखा इसलिए उठा लिया, अब ये मेरा है। बोने ने वो फूल नूर से लिया और बोला, ये फूल तुम दोनों में से किसी का नहीं है, तुम दोनों में से जो भी नदी पहले पार करेगा ये फूल उसी का हो जाएगा। परी और नूर नदी पार करने के लिए घाट पर आए और दोनों जल्दी जल्दी अपनी अपनी किश्तियों में बैठने लगी। नूर अपनी किश्ती पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उसने एक खरगोश देखा जिसके पैर में कांटा चबा हुआ था। नूर ने इसके पैर से कांटा निकाल दिया। जैसे ही उसने इस खरगोश के पैर से कांटा निकाला, खरगोश ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम ये चप्पू ले लो, इससे तुम जल्दी नदी पार कर लोगी। नूर ने वो चप्पू लिया और किश्ती में सवार हो गई। दूसरी तरफ परी अपनी किश्ती में बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। उसने जमीन से पत्थर उठाया और खरगोश को दे मारा। पत्थर लगने से खरगोश तकलीफ से बलबला उठा। ये देखकर बोना वहां आया और गुस्से से परी से बोला, तुमने एक जानवर को मारा है, जादू के जोर से मैं तुमको भी खरगोश बना देता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि किसी जानवर को मारते ही तो उसे कितनी अजियत होती है। बोने के ये कहते ही परी खरगोश बन गई। बोना गुस्से से वहां से चला गया। नूर ये सब देख रही थी कि कैसे इसकी बहन खरगोश बनी। वो नदी पार कर चुकी थी। वो फौरन वापस आई और बोने का पीछा करके उसके पास पहुंच गई और कहा, बोने भाई रुको। उसकी आवाज़ सुनकर बोना रुक गया और बोला, क्या बात है? नूर बोली, भाई मेरी बहन को सबक मिल गया है, इसे माफ़ कर दी, आइंदा वो किसी जानवर को नहीं मारेगी। खरगोश नूर के साथ परी के पास वापस आया और इस पर मन्नतर पढ़कर फूंका। वो दोबारा खरगोश से इंसान बन गई जबकि बोना यकायक उनकी नज़रों से गायब हो गया। नूर परी के साथ वापस घर आ गई। इन्होंने देखा कि बोने ने फूल वहीं डाल दिया था। परी ने उठाकर वो फूल नूर को दे दिया और उस दिन के बाद से वो कभी किसी से नहीं लड़ी।